हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जो लोग मेरे चैनल में न्यू हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम सोनाली है एंड मैं न्यू जर्सी अमेरिका में रहती हूँ अपने बेटे एंड अपने हस्बैंड के साथ। सो एज सबको पता ही होगा कि फॉरेन कंट्री में हमें कोई हाउस हेल्प नहीं मिलता, हर कुछ हमें खुद ही मैनेज करना होता है। सो अभी मैं आपको एक अपनी लाइफ स्टेटस बता देती हूँ कि मेरी अभी कुछ दिन से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो मेरे लिए थोड़ा अभी सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। एंड आज मंडे है, मंडे के दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सो आज के दिन मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है एंड रिधान का स्कूल एज वेल रहता ही है। तो मैं जब उठती हूँ तो मेरे दिमाग में बस यही चलता है कि पहले मैं इनका लंच एंड ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लूँ। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं होती क्योंकि ये लोग ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स खा के जाते हैं या फिर राजेश फ्रूट सैलड, तो पहले मैं इन दोनों का लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। उसके बाद लंच प्रिपेयर करने के बाद मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन फॉलो करती हूँ जहाँ पे मैं गर्म पानी, फ्रेशन अप होना एंड ये सब करने के बाद रिधान को बस स्टॉप तक ड्रॉप करने चली जाती हूँ। सो गाइज, रिधान को ड्रॉप कर दी एंड बहुत दिन के बाद थोड़ा वॉक भी कर रही हूँ। वेदर अभी थोड़ा अच्छा हुआ है तो बस इधर ही सी अपनी लाइन में थोड़ा वॉक कर ले रही हूँ। अच्छा लग रहा, बहुत दिन के बाद नोज़ पूरा मेरा रेड हो गया है और वेदर भी अच्छा है ना, तो अच्छा लग रहा है। बस ऐसा ही वेदर रहे, इससे ज़्यादा ठंड और इससे ज़्यादा गर्मी ना, मतलब इस गर्मी थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए पर ठंड अब ठंड बर्दाश्त नहीं होगा। सो गाइज, वीकेंड में रिधान का रूम का ये हालत हो जाता है, पूरा का पूरा रूम ऐसा बिखरा पड़ा है। तो अभी मैं इसे साफ करने में मुझे 1-1.5 घंटा तो पूरा जाएगा ही। पूरा लेगोस, हर चीज़ इतना फैला के रखा है। अब मैं इसे क्लीन करूँगी तो आपसे मिलती हूँ मैं 2 घंटे के बाद। So guys, पूरे 1 घंटे के बाद रिधान के रूम का लुक कुछ ऐसा है। पूरा सेट करा है एंड ये लेगोज उसने स्ट्रिक्टली हमें मना किया कि कोई भी नहीं छुएगा, तो मैं एज इट इज चेयर के ऊपर रख दी हूँ एंड पूरा रूम अभी क्लीन कर रही हूँ। 1 घंटा लग गया पूरा क्लीन करने में मुझे। रिधान का रूम क्लीन हो गया पर मुझे ये नहीं पता कितने दिन तक वो क्लीन रहेगा। एनीवे मैं यहाँ पे अपने प्लांट्स के पास आ गई हूँ। मुझे प्लांटिंग करना बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है पूरा ग्रीनरी घर में। एंड मैंने ना कुछ दिन पहले से ये एक मनी प्लांट का स्टेम को पानी में डाल के रखा था जिसकी बहुत अच्छी सी रूट निकल आई थी, तो बस उसे ही गमले में लगा रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, आज वैक्यूम नहीं करा। वैक्यूम से ना कोने से या बेड के नीचे से कचरा नहीं निकलता, तो मैं झाड़ू लेकर आई हूँ इंडियन ग्रॉसरी से एंड कर रही हूँ। एंड मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी फिर से डाउन जा रही है, मुझे बहुत रोना आता है, घर की बहुत याद आती है इंडिया की जहाँ हमें हाउस हेल्प मिल जाती है। मैं आपसे सीधे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, उस दिन मेरी तबीयत एक्चुअली ख़राब हो ही गई थी। फिर यहाँ पे मैं लॉन्ड्री लगा रही हूँ अपने कपड़े, जो बहुत ज़्यादा बास्केट भर गया था। सो यही सच है यूएस का, आपकी तबीयत जैसी भी हो काम तो आपको खुद ही पूरा करना है। दिस इज द रियलिटी ऑफ फॉरेन कंट्री। मर के करो, जी के करो, करना खुद है। यहाँ फैमिली नहीं आ सकती, मेड हाउस हेल्प नहीं मिल सकता एंड कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग सब खुद ही करना है। मोह जाल है ये, जो फॉरेन कंट्री होता है ना वो एक जाल है, इसमें अगर फंस गए तो ना निकलने बनता है ना रहने बनता है। सो फ्रेंड्स, इवनिंग का टाइम है, बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे समोसा बनाने का। 2 दिन पहले मैंने आलू बॉईल करके रखा था पर हो नहीं पा रहा था, तो आज फाइनली मैंने हिम्मत करी है एंड यहाँ पे पहले मैं आटा गूंद ली हूँ, मतलब जो मैदा होता है समोसे का जो ऊपर का लेयर होता है उसके लिए। रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ मैं आज, क्योंकि मुझे मैंने फटाफट से जल्दी से बनाया एंड यहाँ पर आलू मैंने बना के रख लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है समोसा, मुझे लगता है जब मैं
बीमार पड़ती हूँ ना, तो मेरे लिए यही एक मेडिसिन है। पर ऐसा होता नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है बनाना, तो यहाँ पे बस मैं बना रही हूँ एंड सब कुछ करा जल्दी जल्दी से, समोसे बनाए एंड बीच में ऐसा नहीं है कि सब कुछ अकेले ही करा, थोड़ा थोड़ा हेल्प पति देव ने भी करवा दिया था। वो बोले चल मैं तेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प करा देता हूँ, तू बैठ के आराम से फिलिंग कर। तो वो पता नहीं, उन्हें शौक भी था कि आज वो वीडियो शूट करे, तो थोड़ा सा उन्होंने वीडियो भी शूट करा है। तो इसी तरह से ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब आपका पार्टनर आपको हेल्प करता है, थोड़ी सी ही हेल्प कर देना, वो हेल्प बहुत ज़्यादा लगती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब राजेश मुझे थोड़ी सी वो कलछली चला दे या समोसे ही पलट दे, उसमें ही मैं खुश हो जाती हूं। ये है US लाइफ, जब कुछ खाना है वैसे मिलता है पर आप बहुत दूर जाओ तब। तो हमने घर पे ही बना लिया है समोसे। यू लाइक इट? यस। तो रिधान को भी समोसे कभी कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं अच्छा लगता है। सो हे गाइस, कल इस वीडियो का मैंने एंडिंग नहीं लिया था क्योंकि रात भी हो गई थी एंड फिर हमने समोसे खाए एंड हमने थोड़ा टीवी देखा, फिर मैं जाके सो गई क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा अपने लाइफस्टाइल के बारे में शेयर करा कि किस तरह से मैं अकेले विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी रिलेटिव, विदाउट एनी फ्रेंड, मैं कैसे यहाँ पे लाइफ मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि अब भी मेरी थोड़ी जो है तबीयत सही नहीं चल रही है। तो उस टाइम पे भी, इस टाइम पे भी मुझे खुद ही सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है। जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया भी था कि जब मैं समोसे बना रही थी तो उस समय थोड़ा सा लास्ट में राजेश ने मुझे हेल्प करा दिया था, क्योंकि वो बेलने में उन्होंने हेल्प करा था, वो बेलते गए थे एंड मैंने स्टफिंग करी थी और फिर फ्राई करा था। तो इस तरह से जब जब राजेश को टाइम मिलता है वो हेल्प कर देते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि राजेश को कुकिंग का बहुत शौक है, तो जब भी उनको मौका मिलता है कि मैं कुछ नहीं बना रही तो वो उसका फ़ायदा बहुत उठाते हैं। तो बस यही था मेरा एंड बस इसके साथ करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। आप वीडियो लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो थोड़ा रेगुलर भी नहीं आ पा रहा है इसी वजह से। तो चलिए करती हूँ, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।